लास्ट टाइम हमने एक खास चीज देखी थी, एक पॉइंट जो था कि अबाउट एफर्टलेस एफर्ट। तो योग क्या है? तवरी जी कहते हैं एफर्टलेस एफर्ट को तवरी जी योग कहते हैं। और दूसरा हारमोनी एंड रिदम। अब एफर्टलेस एफर्ट शब्द जो है वो थोड़ा समझने की जरूरत है, बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। एफर्टलेस एफर्ट का मतलब ये नहीं कि अभी एफर्ट ही कर दे छोड़ देना है, नहीं करना है। क्योंकि कुछ लोग थोड़े आलसी लोग होते हैं, उनको एफर्ट्स करने में मज़ा नहीं आती है, तो वो ऐसा टीचिंग ढूंढते हैं कि जिसके अंदर कोई एफर्ट्स करने की बात ना हो। और कई जगह पर ऐसी बात होती भी है, तो लोग ऐसा पसंद करते हैं कि चलो भाई एफर्ट्स करना नहीं है, तो वही बस जो है जिस तरह है इस तरह जी लो। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और इस पॉइंट के ऊपर मैंने 1988 में विमला ताई को एक लेटर लिखा था, शायद आप सब लोग जानते होंगे विमला थकार। तो 88 में मैंने ये एफर्ट्स के बारे में उनसे कुछ डिस्कस किया था, तो उन्होंने एक जवाब दिया था। उनका लेटर अभी भी मेरे पास है, और उसमें उन्होंने ये बताया था कि एफर्टलेसनेस डज नॉट कम बाय गिविंग अप एफर्ट्स। मतलब कि एफर्ट जो है वो एफर्ट्स करना बंद कर देने से, प्रयत्न करना बंद करने से एफर्टलेसनेस नहीं आती है, प्रयत्न रहितता नहीं आती। इट कम्स व्हेन एफर्ट्स बिकम अननेसेसरी। जब एफर्ट जो है, प्रयत्न है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। एक स्थिति अंदर ऐसी बन गई है अभी कि अभी कोई खास एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, अभी ज़्यादा बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, एक अंदर स्थिति बन गई है, तो तब फिर एफर्टलेसनेस आ सकती है। पर इससे पहले अगर हम ऐसा समझे कि भाई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक भ्रम क्रिएट होता है। और लोग ज़्यादातर ऐसा करते हैं, समझते भी हैं कि भाई एफर्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस तरह मन को शांत रखो और बस जिए जाओ। पर ऐसा होता नहीं है, बिना एफर्ट्स के स्थिति बनती नहीं है, और स्थिति नहीं बनती है तब तक माइंड भी शांत नहीं बनता है। तो ये खास ये बहुत गहरी बात उन्होंने बताई थी और मुझे याद थी, तो मैंने फिर से वो रेफरेंस निकाला है। अब एफर्ट्स कितना करना चाहिए? जैसे हम जैसे लोगों के लिए तो एफर्ट्स काफ़ी करना पड़ता है, जो तावरिया जी ने एक्सरसाइज बताई है, तो सारी की सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, काफ़ी एफर्ट्स करना पड़ता है। पर एक पॉइंट के बाद में बहुत एफर्ट्स नहीं करना पड़ता है, फिर भी थोड़ा करना पड़ता है। जैसे योगी लोग है, वो भी उसको एक कितना एफर्ट्स करना पड़ता है कि उसको अवेयरनेस मेंटेन करने का एफर्ट्स करना पड़ता है। क्योंकि अवेयरनेस का स्वभाव ऐसा है कि अगर उसको आप पकड़ के नहीं रखते हैं, वो मेंटेन नहीं होती है, तो नीचे चली जाती है। अवेयरनेस का एक यही स्वभाव है। अगर आप भी अवेयरनेस का प्रयत्न करोगे, तो आप थोड़ी देर में आपको पता लगेगा कि भाई अवेयरनेस थी और कब चली गई वो पता ही नहीं चला। तो अवेयरनेस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल चीज़ है, और योगी को भी ये काम करना पड़ता है। और योगी के अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो अवेयरनेस को कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है। जैसे कि सबमरीन होती है, तो पानी के अंदर प्रेशर कम ज़्यादा करके सबमरीन ऊपर नीचे जा सकती है। इस तरह अवेयरनेस को योगी जो है वो रेगुलेट कर सकता है। कैसे और क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि पहली बात ये है कि अवेयरनेस एक जो है एनर्जी है, एक फोर्स है। अवेयरनेस कोई ऐसी कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है। प्रॉब्लम है, कई बार लोग ऐसा समझते हैं अवेयरनेस कोई एक ऐसी जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ हो, इस तरह समझते हैं। नहीं, तावरिया जी ने बहुत स्पष्ट बताया है कि अवेयरनेस एक एनर्जी है, और वो हमेशा मूलाधार चक्र से हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर आती रहती है। तो जो योगी है, वो जो जानता है, जिसको एस्ट्रल का अनुभव है, तो वो मूलाधार से उसको कंट्रोल कर सकता है। जब उसको लगता है कि अब बढ़ानी है तो वो बढ़ा सकता है, जिसको जब लगता है उसको कि कम करनी है तो कम भी कर सकता है।
और इसीलिए तवरिया जी ने ब्रेन चार्ट के अंदर पिछले तीन जो स्टेट्स बताए, 3A, 3B और 3C, इनके अंदर यही है कि अवेयरनेस को आप बढ़ाना है, कम करना है, आप कौन सी स्थिति में है। तो भाई अभी सांसारिक जवाबदारी में है तो अवेयरनेस को थोड़ा नॉर्मल रखते हैं। जब मेडिटेशन में डीप में जाना है तो अवेयरनेस को बढ़ाना है, तो फिर 3B 3C के स्टेज में अवेयरनेस को बढ़ा देते हैं। इस तरह वो रेगुलेट कर सकते हैं, उनके हार्ट के अंदर ये चीज़ होती है। तो ये एक खास चीज़ समझनी है। और हमारे अंदर भी जितनी साधना बढ़ेगी इतने साथ साथ में ऑटोमेटिक अवेयरनेस अपने आप में बढ़ती जाएगी। एक अवेयरनेस एक ऐसा मापदंड है कि जिसे व्यक्ति समझ सकता है। आप दिन भर में कितनी देर तक या कितनी बार 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 आपको आपको अवेयरनेस महसूस होती है, आपको बॉडी ब्रेन सिस्टम की अवेयरनेस रहती है, सराउंडिंग अवेयरनेस रहती है, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है उसकी अवेयरनेस रहती है। अगर ये सब अवेयरनेस रहती है तो वी आर ऑन द राइट पाथ। तो हमें समझना पड़ेगा कि नहीं, हाँ सही दिशा में हमारी गति हो रही है। पर बार बार अगर हमारा मन जो है वो मैकेनिकल बन जाता है, विचारों में गुम हो जाता है, आजू बाजू क्या चल रहा है उसकी कुछ अनुभूति नहीं है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, तो समझना चाहिए कि भाई अभी भी हम ज्यादातर बेहोशी में ही जी रहे हैं, अवेयरनेस का रास्ता अभी हमें मिला नहीं है। पर इसका एक मेन कारण ये भी है कि हमारा 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग बहुत कच्चा है, 3 स्टेप के ऊपर हमारी मास्टरी नहीं है। थोड़ा बहुत हम करते हैं और जब करते हैं तो थोड़ी देर हमें एक थोड़ी अवेयरनेस की अनुभूति भी होती है, पर 3 स्टेप बंद होता है तो अवेयरनेस भी फिर वापिस चली जाती है। या दूसरी तरह कहे कि जब एक स्टेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन बनता है तब अवेयरनेस नहीं रहती है। तो जैसे कि कहीं पर भी जी चिपक गया तो जैसे जी चिपकता है तो अवेयरनेस टूट जाती है। पर 3 स्टेप इसका एक माध्यम है, अगर 3 स्टेप को हम पकड़ के रखते हैं तो अवेयरनेस को भी हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक जो लास्ट टाइम हमने देखा था एफर्टलेस एफर्ट, तो एफर्टलेस एफर्ट का मतलब ये समझना है यहाँ कि इसको हम थोड़ा प्रयत्न हमें कई 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 बार उसको मेंटेन करने के लिए जरूरत पड़ती है, हमें नहीं पर जो बहुत एडवांस है जो योगी लोग होते हैं वो इस तरह एफर्टलेस एफर्ट्स की कंडीशन में जीते हैं। बाकी हमें तो बहुत सारा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, चाहे वो 3 स्टेप हो, रिफाइनिंग हो, फेज हो या और भी कोई एक्सरसाइजेस हो, उसके अंदर कंप्लीट एफर्ट्स लगा के हमें सब करना पड़ता है। तो लास्ट टाइम तक हमने यहाँ पढ़ा था पेज नंबर 17 फिफ्थ मीटिंग तक। अब जो एक कैंडल की भी प्रैक्टिस आती है वहाँ आके हम रुक गए थे। तो अभी हम देखेंगे कि भाई आगे ये कैंडल की प्रैक्टिस क्या बताते हैं। लाइट ए कैंडल, अ बर्ड ए स्मॉल कैंडल, प्रिफरेबली बी वेन डे लाइट इज लेस, राइट द वर्ड गॉड विद द फ्लेम स्लोली, सी इट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द फ्लेम, डू नॉट जस्ट इमेजिन द वर्ड बट एज इफ राइटिंग विथ पेन और पेंसिल, सी द लेटर्स जी देन ओ देन डी टेकिंग शेप आउट ऑफ द फ्लेम एंड फॉर्मिंग द वर्ड गॉड। इसका मतलब क्या हुआ, किस तरह ये लिखने की बात करते हैं, आप कुछ सोच सकते हैं। यहाँ ऐसे लिखा है, यहाँ उन्होंने ये बताया है कि एज इफ राइटिंग विथ पेन और पेंसिल, तो हम क्या सोचेंगे कि कैंडल को भी हाथ में पकड़ के इस तरह का जी ओ डी लिखना है, पर ऐसा नहीं है। ये टेक्निक तावरिया जी ने खास इसमें लिखी है और बहुत पहले बहुत कम लोगों को, जो इनके एकदम पर्सनल थे उन लोगों को ही सिखाई है, बाद में इस एक्सरसाइज का कभी उन्होंने जिक्र किया नहीं है। पर जो लोग जिनको सिखाई थी
वो किसी ने मुझे बताया था कि कांवरिया जी हमें क्या कराते थे। तो पहली बात तो ये है कि आपको 5 फुट डिस्टेंस पर, थोड़े डिस्टेंस के ऊपर एक छोटी सी कैंडल, बर्थडे कैंडल रखना है एक डिस्टेंस के ऊपर। और उसका समय अगर अर्ली मॉर्निंग है या फिर लेट इवनिंग है, थोड़ा सा अंधेरा होता है, ऐसा समय के अंदर करनी चाहिए। तो उस समय के ऊपर आप मोमबत्ती जलाकर दूर थोड़ी रखिए, फिर थोड़ी देर के लिए उसकी जो फ्लेम है उसको आप गौर से देखिए, टिक टिक के देखिए, स्टेरिंग जो कहते हैं ना, इस तरह उसको टिक टिक के देखिए पहले थोड़ी देर। उसके बाद में क्या करना है कि इसके जो फ्लेम का जो टिप पार्ट है उसको आपको एक्सटेंड करना है, मतलब उसको जैसे कि आपको स्ट्रेच करना है उसको, ये सब मेंटली करना है। अभी मोमबत्ती तो दूर है, हम हाथ नहीं लगा रहे, पर मेंटली हम टिप को जैसे हम एक्सटेंड करते हैं और टिप को एक्सटेंड करके उससे जी लिखने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ मोमबत्ती की है, उसकी टिप है, इसको आपने माइंड से, आप माइंड से इसको एक्सटेंड करेंगे ऊपर की ओर और फिर उससे जी लिखने का प्रयत्न करेंगे। तो क्या होगा कि आप एक ऐसा एक विजुअलाइजेशन होगा कि जैसे जी गोल्डन फ्लेम में आपके आपका जी जो है वो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, या फिर आप उसको इस तरह आप विजुअलाइज करते हैं कि एक जी जो है जिसको आपने इस तरह लिखा है। तो ये करना यही है कि फ्लेम को एक्सटेंड करके उससे जी गोल्डन जैसा फ्लेम का कलर है इसी फ्लेम के कलर में आपको जी फिर दिखाई देगा। उसके बाद में फिर आपको ओ लेना है, तो फिर से आपको टिप को एक्सटेंड करना है ऊपर की ओर ले जाना है और ऊपर से ओ, ऊपर से नीचे की ओर पूरा राउंड में जिस तरह हम ओ लिखते हैं इस तरह ओ लिखना है, और वो भी देखना है कि वो गोल्डन फ्लेम के अंदर ओ लिखा गया है। और उसके बाद में लास्ट में फिर आपको डी लिखना है, तो डी भी इसी तरह फ्लेम को एक्सटेंड करके ऊपर तक ले जाके फिर डी का जो है वो शेप आपको बनाना है गोल्डन फ्लेम के अंदर। तो इस तरह जी ओ डी आपको लिखना है, और इसको आप रिपीट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार लिख लिया, आप इसको 5 बार 10 बार आपको जितना उसको लिखना है, जिसका जितना इसको विजुअलाइज करना है इतना आप ये कर पाओगे। तो यहाँ तो उन्होंने उसका कोई फायदा वगैरह क्या है, क्यों करना है, वो तो बताया नहीं है, पर इससे 2 बात होती है ऐसा मैं समझता हूँ। एक तो इससे हमारा धारणा का, मतलब जो होल्डिंग कैपेसिटी है, हमारा अटेंशन बहुत पुअर है, अभी हमारा अटेंशन टिकता है नहीं है कहीं पर। पर जैसे अगर आप इसकी रोजाना प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि आपकी अटेंशन की क्वालिटी थोड़ी बदल जाएगी। तो एक धारणा की स्थिति जो है, जो होल्डिंग कैपेसिटी है, इस तरह की आपके अंदर एक कैपेसिटी डेवलप होगी। और दूसरा, विजुअलाइजेशन का जो प्रयोग है वो हमेशा राइट ब्रेन को डेवलप करने के लिए किया जाता है। और पहले साइंस राइट ब्रेन के बारे में कोई खास जानता नहीं था, उसको इंटरेस्ट भी नहीं था, पर अभी साइंस इसको बहुत ज़्यादा महत्व दे रहा है कि व्यक्ति का विकास करने के लिए राइट ब्रेन का डेवलपमेंट भी इतना ही जरूरी है। और तावरिया जी ने भी आप इस डिस्कोर्सिस का 28 मीटिंग जो है, 20वीं मीटिंग, उसको पढ़ोगे तो उसके अंदर ये चीज़ उन्होंने बताई है डिटेल के अंदर, किस तरह राइट मिड ब्रेन डेवलप होता है। तो ये एक्सरसाइज जो है, चाहे वो उन्होंने तो बाद में खास कराई नहीं थी, पर हम इसका अभ्यास करना चाहे तो कर सकते हैं। एक्चुअली ये प्रिज्म आने से पहले ये टेक्निक उन्होंने बताई थी कुछ लोगों को और कराते थे, पर उसके मुझे लगता है कि उसके बाद में जब प्रिज्म आ गया फिर तो उन्होंने इसकी बात की नहीं है, क्योंकि प्रिज्म से भी यही एक हमारा जो एक ज़रूरत जो है वो इससे भी फुलफिल होती है, क्योंकि प्रिज्म में भी हम अटेंशन को ही पकड़ने का और अटेंशन को डेवलप करने का प्रयत्न करते हैं। तो हो सकता है कि प्रिज्म आने के बाद फिर उन्होंने ये एक्सरसाइज बतानी बंद कर दी होगी। इफ यू फेल 100 टाइम्स, डू नॉट डिस्पेयर, कीप एट इट, इट विल कम। टूडेज एक्सरसाइजेस आर
वेरी इम्पोर्टेंट, बी वेरी रेगुलर विद देम। तो यहाँ उन्होंने कहा कि भाई ऐसी एक्सरसाइज कर करके नए नए जब करते हैं हम, तो काफ़ी ये होता है, होता नहीं है, इसलिए फिर व्यक्ति निराश हो जाती है और फिर छोड़ देती है। तो कहते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज है वो छोड़ना नहीं है, आप चाहे 1000 बार आप फेल हो जाओ फिर भी आपको प्रयत्न करते रहना है और धीरे धीरे करके एक दिन आप उसको इसके ऊपर मास्टरी पा सकते हैं। लेट अस नाउ टेक द फोर और फाइव पर्सनालिटीज फ्रॉम गीता चैप्टर 1 धृतराष्ट्र। द ब्लाइंड किंग ऑफ कौरवास विथ ए 100 सन्स, द ब्लाइंड अनरीजनिंग माइंड नॉट लॉजिकल बट यूजिंग ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट एक्शन विथ 2:4:8:2 रेशियो विथ हाई माइनस इंटेंसिटीज इन द सेंटर्स इंटेलेक्चुअल इमोशनल एंड सेक्स विच लीड टू ब्लाइंडनेस एज पर आवर इंटेंसिटी चार्ट। अब यहाँ पहला पहला जो पात्र है, एक खास इम्पोर्टेंट पात्र जो कौरवों का है, कि एक खास तो उसकी वजह से वो एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, महाभारत का युद्ध हुआ उसके लिए, क्योंकि उसकी लालच और इसका जो मोह था उसके कारण ही महाभारत का युद्ध हो पाया। तो वो ब्लाइंड है। अभी ये सब देखना ये है, यहाँ बात जो हो रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो कोई कैरेक्टर था या नहीं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पर इससे हम क्या सीख सकते हैं, हमारे अंदर क्या चीज़ ये इस तरह की पड़ी है उसका हम ऑब्जर्वेशन हमें करना है, इसीलिए इस चीज़ों को हमें समझना चाहिए। तो यहाँ कौरवों जो ये था धृतराष्ट्र, कौरवों का राजा, वो ब्लाइंड, तो ब्लाइंड जो है वो ब्लाइंडनेस जो है वो सिंबल है, हकीकत में बात हो रही है मन के अंधापे की। आँख का अंधापा तो है या नहीं है वो तो सेकेंडरी है, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ब्लाइंडनेस माइंड की है। तो हमारे अंदर अगर इस तरह का हम ब्लाइंड माइंड है तो हम कुछ ही समझ नहीं सकते, हम कुछ सीख नहीं सकते, हम सिर्फ हमारा स्वार्थ ही देखते हैं और इसके लिए हम चाहे काफ़ी लोगों को नुकसान होते हो तभी हम उसको होने देते हैं। तो इस तरह जो ये है वो ब्लाइंडनेस जो है वो सिंबल मेंटल ब्लाइंडनेस का है। और ऐसा माइंड कैसा होता है, अनरीजनिंग, तो वो सोच नहीं सकता, वो जो है वो क्या वॉइस लो लगता है, ऐसा माइंड जो है वो सोचता नहीं है ज्यादा, अनरीजनिंग है। एक मिनट, वॉइस जो बाहर का आवाज है ना उसको बंद कर देते हैं। अभी आजकल पवन बहुत चल रहा है, उसका भी नॉइज आ रहा है। तो ये जो है अनरीजनिंग माइंड है धृतराष्ट्र का, नॉट लॉजिकल। तो लॉजिकल माइंड जो होता है वो थोड़ा सोच समझने का प्रयत्न करता है और क्या सच है वो जानने का भी प्रयत्न करता है। पर जो नॉन लॉजिकल माइंड होता है, और दूसरे उसकी खासियत ये है कि वो उसका ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन चलता है, मतलब प्रतिक्रिया हमेशा करता रहता है, जैसे भी कुछ सुना, कुछ बाहर कुछ भी हुआ तो उसका तुरंत वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में ही उसका एक ये रिस्पॉन्स आएगा। तो ये हम पहले ही मीटिंग के अंदर देख चुके हैं कि ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, और इसको रोकने के लिए तावरिया जी ने पोज की एक्सरसाइज दी है। तो उसके अंदर इस तरह का, तो जो जो लोग है ये पूरी ह्यूमिनिटी के अंदर जो जो लोग इस तरह का है, जिसका अनरीजनिंग माइंड है, जो लॉजिकल नहीं है, जिसके अंदर प्रतिक्रिया ज़्यादा होती है, और ऐसे 2:4:8:2 के रेशियो वाले, जैसे हम इंटेंसिटी चार्ट में देखें तो ये 2:4:8:2 का जो रेशियो होता है, इस तरह का रेशियो वाले रोग है जिसके अंदर IESM 2:4:8:2। और इसकी दूसरी बात ये है कि हाई माइनस इंटेंसिटीज होती है क्योंकि उनके चारों सेंटर के अंदर गड़बड़ होती है। हाई माइनस इंटेंसिटी कब बनती है, तो हम इनर डिसिप्लिन में देख चुके हैं कि भाई खास करके इमोशनल और सेक्स सेंटर्स काफ़ी नेगेटिव होते हैं, माइनस के अंदर काम करते हैं,
और इंटेलेक्चुअल सेंटर भी जो है वो उसको सरेंडर हो जाता है, इंटेलेक्चुअल सेंटर प्लस में नहीं रह सकता। तो बाद में इंटेलेक्चुअल सेंटर के अंदर जो कुछ इंटेंसिटी बनती है वो भी ये इमोशन और सेक्स सेंटर से के साथ चली जाती है। तो ये तीनों को मिला के बहुत ऊंचे प्रकार की माइनस इंटेंसिटी बन जाती है। तो ऐसे लोग हम जैसे देखते हैं नकारात्मक लोग, बहुत ऊंची तीव्रता वाले। और हमारे समाज में भी जो लोग दबंग जैसे लोग होते हैं, जो लोग सोसाइटी में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऐसे लोगों का यही रेशियो होता है, 2482 का रेशियो होता है, और उसके अंदर हाई माइनस इंटेंसिटी होती है। और ये तीनों सेंटर के अंदर इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सेक्स, तो वो किस तरह होती है वो भी हमने देखा, विच लीड टू ब्लाइंडनेस। तो इस तरह का जब तीनों सेंटर के अंदर गड़बड़ होती है तो फिर मेंटल ब्लाइंडनेस व्यक्ति के अंदर डेवलप होती है। अब आगे का दुर्योधन का, एंड हिज सन दुर्योधन फिजिकली स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव प्रोवोक्स फाइट क्रिएट्स डिस्प्यूट्स एज पर हाई माइनस इंटेंसिटी इन मूवमेंट सेंटर। अब मूवमेंट सेंटर जो उसका है उसकी क्या क्या नेगेटिव असर उसके अंदर है दुर्योधन के अंदर वो बताते हैं। तो फिजिकली स्ट्रांग एकदम ये होता है, इतना स्ट्रांग था कि वो भीम से मुकाबला कर सकता था, इतना स्ट्रांग था। तो फिजिकली स्ट्रांग है, एग्रेसिव, उसके अंदर बहुत एग्रेशन, गुस्सा उसके अंदर बहुत रहता था। और वो फाइटिंग को जो है वो लड़ाई झगड़ा, वो बात छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा कर लेता था, ऐसा फाइटिंग को फाइटिंग मतलब कि झगड़ा वगैरह और डिस्प्यूट, इस तरह का उसका जो माइंड था। और ये सब लक्षण जो है वो मोमेंट सेंटर के है। नेगेटिव, वर्शिप ऑफ सेल्फ, मीन ग्रीडी एज पर हाई माइनस इंटेंसिटी इन इमोशनल सेंटर। अब इमोशनल सेंटर के अंदर माइनस इंटेंसिटी होती है तो व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि वर्शिप ऑफ सेल्फ, वो व्यक्ति खुद की पूजा करने वाला, मतलब एकदम अहंकारी होता है, बस वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, उसकी बातों में भी हमेशा अहंकार होता है, मैं करता रहता है। तो ऐसी व्यक्ति मीन मतलब एकदम लो टाइप की व्यक्ति, एक नीच प्रकार की व्यक्ति जैसी व्यक्ति जो होती है वो व्यक्ति ग्रीडी लालची होती है ये व्यक्ति। और इमोशनल सेंटर के अंदर इसकी हाई माइनस इंटेंसिटी होती है। उसके बाद में इंटेलेक्चुअल सेंटर में क्या हो सकता है, इंटेंस कंटिन्यूअस एंगर एज पर हाई माइनस इंटेंसिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल सेंटर। अब उसके अंदर इतना गुस्सा और कंटिन्यूअस गुस्सा रहता है तो ये हाई माइनस इंटेंसिटी इंटेलेक्चुअल सेंटर में। अब कई बार ये थोड़ा सेंटरों का अभी तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, पर ऐसा थोड़ा लगेगा कि जैसे कि भाई एंगर है वो तो नेगेटिव इमोशन जैसा लगता है, तो यहाँ इंटेलेक्चुअल सेंटर में क्यों डाला है? तो ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ा प्रश्न उत्पन्न होंगे, पर ये सारी बातें हमने इनर डिसिप्लिन के चैप्टरों के अंदर ये की हुई है, इसलिए यहाँ हम इसके अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे। एंड फोर्स इन सेक्स, हिज नेचर इज रिवील्ड व्हेन ही इंटेंड्स फोर्सिबली टू इंसल्ट द्रौपदी इन कोर्ट पुलिंग एट हर सारी। तो ये इंसिडेंट तो हम सब जानते हैं कि भाई द्रौपदी की वस्त्र हरण जिसको कहते हैं, तो वस्त्र हरण जो है वो वहाँ दरबार के अंदर हुआ था और वो उसके कहने के से हुआ था, उसने दुशासन को कहा था और दुशासन ने वस्त्र हरण किया था। तो उसके अंदर उसका जो सेक्स की जो विकृति है, सेक्स सेंटर की विकृति है, वो भी ये उससे स्पष्ट होती है। मतलब ये ऐसी व्यक्ति थी कि उसकी चारों सेंटर के अंदर गड़बड़ी थी, मोमेंट सेंटर के अंदर नेगेटिविटी थी, इमोशनल सेंटर के अंदर भी गड़बड़ी थी, इंटेलेक्चुअल सेंटर के अंदर और सेक्स सेंटर के अंदर, चारों सेंटर के अंदर गड़बड़ी वाली ये व्यक्ति थी। अब उससे विपरीत, ऑन द अदर हैंड इज अर्जुना द एस्पायरिंग सिंसियर डिसाइपल। तो अर्जुन कैसा था, इन लोगों से विपरीत, एक एस्पायरिंग, एक महत्वाकांक्षी
महत्वाकांक्षा किस चीज की? आगे बढ़ने की है, अध्यात्म में या जो भक्ति का मार्ग है, योग का मार्ग है, कृष्ण के, क्योंकि वो कृष्ण का भक्त था तो कृष्ण के प्रति जो उसका समर्पण था वो उसके अंदर उसके वो महत्वाकांक्षी था कि उस तरह अध्यात्म में उसकी प्रगति हो। हु विथ हार्ड वर्क फॉर मेनी लाइव एंड इन दिस लाइफ हैज सक्सीडेड इन चेंजिंग हिज ब्रेन रेशियो फ्रॉम 2.82 to 5.21 एंड इज नाउ रेडी टू टेक द इम्पोर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप ऑफ प्रत्याहार, नॉन अटैचमेंट, द सेपरेशन ऑफ सेंसेस फ्रॉम देयर सेंस ऑर्गन्स। वी हैव अर्लियर नोटेड दैट सेंस ऑर्गन्स आर नॉट द सेंसेस देमसेल्व्स, दैट सेंस ऑर्गन्स बिलोंग टू द फिजिकल और सेकेंडरी बॉडी, द सेंस बिलोंग टू द एस्ट्रल और प्राइमरी बॉडी। अब यहाँ अर्जुन की बात करते हैं कि उन लोगों से विपरीत के अंदर वो एक कितने जन्मों तक उसने अपने ऊपर काम किया था और उसके कारण उसने उसका रेशियो जो है वो बदल दिया था, वो 2.482 से 5.21 जो चारों केंद्र का जो रेशियो है तो उसका वो रेशियो बदल चुका था। मतलब एक उसके अंदर एक एडवांसमेंट आ गया था, वो इतना काम कर लिया था कि वो प्रत्याहार तक पहुंच गया था, प्रत्याहार के नजदीक आ पहुंचा था और अभी वो उसका प्रवेश प्रत्याहार में होता है और फिर श्री कृष्ण के गाइडेंस में वो फिर प्रत्याहार की साधना करता है, ऐसा यहाँ बताया। और प्रत्याहार का लक्षण भी यहाँ उन्होंने बता दिया है कि सेंस ऑर्गन और सेंस को डिटेच करना वो प्रत्याहार है, सेंस ऑर्गन अलग है। सेंस ऑर्गन जो है मतलब कि हमारी इंद्रिय अंग, जैसे कि आँख है, नाक है, कान है वगैरह, जो इंद्रिय अंग है वो सेंस ऑर्गन है और वो इंद्रिय अंग के अंदर जो काम कर रही है उसको सेंस कहते हैं। मतलब आँख से जो देखने का काम होता है, जो जो शक्ति से देखने का काम होता है, आँख नहीं देखती है, आँख के अंदर जो शक्ति है वो देखने का काम करती है, तो वो इंद्रिय है, इसको इंद्रिय कहते हैं। और आँख जो है वो इंद्रिय अंग है और ये दोनों अलग है, एक फिजिकल में है और एक एस्ट्रल के अंदर है। ए डिसाइपल इज रेडी फॉर प्रत्याहार आफ्टर द स्टेप्स ऑफ यम नियम प्राणायाम, बट इज नॉट येट रेडी फॉर धारणा ध्यान एंड समाधि। सो टू से ही इज राइट एट द मिडल स्टेज, वी ऑल्सो कॉल दिस प्रत्याहार स्टेज एज द नो मैंस लैंड। अब वो इस चौराहे के ऊपर आके खड़ा था कि जहाँ उसने यम नियम प्राणायाम के ऊपर काम कर लिया था और प्रत्याहार में उसकी एंट्री हो रही थी और अभी उसका धारणा ध्यान समाधि बाकी था, तो इन बीच में था, इसीलिए ये प्रत्याहार इन बीच में आता है, इसीलिए प्रत्याहार को भी नो मैंस लैंड कहा जाता है। मतलब जैसे कि यह पृथ्वी पर कोई कोई जगह ऐसी है नो मैंस लैंड के किसी की नहीं है, यहाँ तक कि कोई देश का भी कब्जा नहीं होता है, ऐसी भी जगह होती है जैसे कि नॉर्थ पोल के ऊपर ऐसी जगह है कि जहाँ अभी कोई कंट्री का कब्जा नहीं है तो वो नो मैंस लैंड कहलाती है। तो योग के अंदर प्रत्याहार का जो स्टेज है वो नो मैंस लैंड का स्टेज है। अब यहाँ एक देखने वाली बात ये है कि उन्होंने ऊपर लिखा है यम नियम प्राणायाम, उन्होंने आसन नहीं लिखा, क्यों आसन छोड़ दिया? कि गलती से छूट गया कि उसने उन्होंने छोड़ दिया? हकीकत में प्रत्याहार के जब प्रत्याहार में साधक अंतर होता है उसके बाद में, प्रत्याहार के बाद में मतलब कि प्रत्याहार के स्थिति के अंदर ही आसन का उद्भव होता है। आसन का मतलब क्या होता है कि यहाँ जो आसन की बात है वो मेंटल पोस्चर, फिजिकल पोस्चर की नहीं। लोग आसन का मतलब फिजिकल पोस्चर करते हैं पर तावरिया जी आसन का मतलब मेंटल पोस्चर करते हैं। तो मेंटल पोस्चर कितना कि कैसा होना चाहिए? एकदम स्थिर, सुख पूर्वक का और एकदम स्थिर। और ऐसा एक जगह तो तावरिया जी कहते हैं कि अगर इसको वो जो पिन जो है, पिन इसको आप इसको पिंच करोगे पिन से तो भी वो व्यक्ति कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, इस तरह। मतलब इसके अंदर जब प्रत्याहार के अंदर जाता है और सेंस ऑर्गन्स जब अलग हो जाते हैं तो वो बाहर के कोई सेंसेशन ले नहीं सकता, चाहे कान तो हमेशा हमारे खुले होते हैं, अब यहाँ बॉम्ब का धड़ाका होता है तो भी वो सुन नहीं सकेगा क्योंकि उसके
कान और कान की जो इंद्रिय है अंदर की, उसको वो उसने अलग कर दी। इसी तरह यहाँ जो है वो प्रत्यार के स्टेट में, उसको अगर कोई पिन भी उसको टच करेगा उसके अंदर, बॉडी के अंदर, तो भी वो उसको कुछ नहीं हो पाएगा। और ये प्रत्यार की स्थिति है। तो इसके क्योंकि उसके अंदर अब आसन की ऐसी स्थिति बन गई कि मेंटल पोस्चर ऐसा बन गया है इसके अंदर कि वो ना हिलता है ना डुलता है, एकदम स्थिरता पूर्वक का वो आसन है। जैसे हम योगियों के पिक्चर देखते हैं, या फिर अलग अलग पिक्चर, जैसे कि महावीर स्वामी का हम पिक्चर देखते हैं, भगवान बुद्ध का पिक्चर देखते हैं, तो ऐसा होता है। और महावीर स्वामी का भी लाइफ के अंदर, इनकी लाइफ स्टोरी के अंदर भी एक बात आती है, एक ग्वाला जो है वो एक किला जो उनके कान के अंदर घुसेड़ देता है, तो उनको उस समय भी फिर वो शांति रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो यही स्थिति है, जो प्रत्यार और इससे ऊपर की स्थिति, कि जहाँ उन्होंने सेंस और सेंस ऑर्गन को अलग अलग कर देते हैं, तो फिर ऐसी बाह्य कोई चीज का अनुभव नहीं होता है। तो हो सकता है कि वो महावीर स्वामी उस समय गहरे ध्यान में होंगे और वहाँ उनका ये डिटेचमेंट हो गया होगा, तो बाहर से जो ग्वाल ने किला मारा उससे उसको अंदर उसको कुछ असर नहीं हुआ। फिजिकल बॉडी में असर होता है, वहां से खून भी निकल सकता है, वो अलग बात है, वो फिजिकल की बात है। पर एस्ट्रल के अंदर वो उसकी मतलब के अंदर उसको व्यक्ति को उसका दर्द का अनुभव नहीं होता है, बाद में हो सकता है जब वो उठता है तब। अर्जुन इज डेपिक्टेड इन महाभारत अकॉर्डिंग टू आवर चार्ट एंड रेशियो ऑफ 5:1 विथ हाई प्लस इंटेंसिटीज इन ऑल सेंटर्स रिफर द चार्ट अर्नेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग हाई प्लस इंटेलेक्चुअल सबलाइम लव ऑफ गॉड डेडिकेशन टू ए कोज हाई इमोशनल प्लस गुड कैरेक्टर सबलाइम थिंकिंग हाई प्लस सेक्स प्रोटेक्टिंग द वीक लव मिलिट्री सर्विसेज हाई मोमेंट प्लस ही इज आइडियली रेडी नाउ टू बी गाइडेड बाय ए महायोगी अ ग्रेट मास्टर एंड इन गीता वी फाइंड द ग्रेटेस्ट मास्टर द ग्रेटेस्ट महायोगी इन लॉर्ड कृष्णस गाइडिंग अर्जुनास चैरियट। तो यहाँ अब अर्जुन की बात करते हैं कि उसके चारों सेंटर के अंदर जो जिसको कहते हैं हम जो एक खूबियां थी, या जिसको सद्गुण कहते हैं या दिव्य गुण कहते हैं, ऐसे चारों सेंटर के अंदर उसके अंदर थी। तो जैसे कि इमोशनल सेंटर के अंदर उसका था क्या था कि हाई प्लस इंटेलेक्चुअल, हाँ प्लस पहले हाई प्लस इंटेलेक्चुअल के अंदर क्या था, सबलाइम लव ऑफ गॉड, तो ईश्वर के प्रति विशुद्ध भाव उसके अंदर जो था वो ये हाई प्लस इंटेलेक्चुअल का ये बताते हैं। उसके बाद में डेडिकेशन टू ए कोज, उसका जो ध्येय होता है, ध्येय के प्रति उसका समर्पण, जीवन में जो ध्येय बनाया है और ध्येय के प्रति आगे बढ़ते जाना है, वो हाई इमोशनल प्लस के अंदर गुड कैरेक्टर सबलाइम थिंकिंग, तो उसका कैरेक्टर था वो बहुत उच्च कैरेक्टर था, और उसका जो थिंकिंग था वो भी इस तरह का प्योर थिंकिंग जिसको कहते हैं, इस तरह का थिंकिंग था। फिर उसका हाई प्लस सेक्स का था, तो उसके अंदर वो जो गरीब लोग थे, जो निर्बल लोग थे, उसको प्रोटेक्ट करता था, वो ये सेक्स सेंटर का पॉजिटिव काम है। तो सेक्स सेंटर जब पॉजिटिवली करता है तो वो दूसरों का रक्षण का काम करता है। लव्स मिलिट्री सर्विस हाई मोमेंट प्लस, तो मोमेंट सेंटर या मूविंग सेंटर के अंदर उसकी हाई इंटेंसिटी थी, और उसके कारण उसके अंदर वो युद्ध युद्ध कौशल था उसके अंदर, बहुत बहुत अच्छा वो वॉरियर था, उसके अंदर युद्ध की अस्त्र विद्या में वो बहुत निपुण था वगैरह जो था वो, उसका कारण ये उसका मूविंग सेंटर था। ही इज आइडियली रेडी नाउ टू बी गाइडेड बाय महायोगी कृष्णा। तो ये अब ऐसा हो गया था, ऐसी स्थिति में आ गया था
कि उसका जो अंदर का भगवान जो श्री कृष्ण आत्मा तत्व जो है वो उसको गाइडेंस देने के लिए अभी तैयार था। उसने ऐसा ऐसी प्रिपरेशन कर ली थी कि अभी अंदर का गुरु उसको गाइडेंस देने के लिए अभी राजी था, रेडी था। इन द ओपनिंग चैप्टर अर्जुन टेल्स लॉर्ड कृष्ण, ओ इनफॉलिबल लॉर्ड ऑफ अर्थ, प्लीज ड्रॉ माई चैरियट बिटवीन द टू आर्मीज सो दैट आई मे ऑब्जर्व दोज हु मस्ट फाइट ऑन माई साइड एंड दोज हु मस्ट फाइट। तो यहाँ ये भगवान को अर्जुन कहता है कि ये भगवान है अच्युत, आप मेरा जो रथ है वो दोनों जो ये युद्ध करने के लिए जो दोनों सेनाएं आई है दोनों सेना के बीच में मेरा रथ ले जाइए ताकि मैं देख सकूं कि मेरे पक्ष में कौन कौन युद्ध कर रहा है और सामने के पक्ष के अंदर कौन युद्ध कर रहा है। वाई बिटवीन द टू आर्मीज वी हैव नोटेड दैट द स्टेज ऑफ प्रत्यय इज द स्टेज ऑफ नो मैन्स लैंड, नो मैन्स लैंड इज ऑलवेज बिटवीन द टू आर्मीज। तो ये यहाँ जो ये बात है मतलब ये सिंबॉलिक ये सब कुछ है। यहाँ तावरिया जी का कहने का मतलब क्या है कि अर्जुन जो बोल रहा है उसका हमें सिंबॉलिक अर्थ करना है कि सिंबॉलिक अर्थ क्या है कि ये प्रत्यार का स्टेज जो है नो मैन्स लैंड का स्टेज है उसकी ये अर्जुन बात कर रहा है कि जो दो आर्मी के बीच में का जगह मतलब नो मैन्स लैंड और नो मैन्स लैंड मतलब प्रत्याहार। तो ये सिंबॉलिकली हमें ये सारी चीजों को समझते आना चाहिए। दिस स्टेज ऑफ प्रत्याहार इज द स्टेज ऑफ नॉन अटैचमेंट, द स्टेज वेयर वन बिड्स फारवेल टू पास एक्सपीरियंसेस एंड टेक्स द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप ऑफ प्रत्याहार। तो ये जो है उसमें वो जो उसके पुराने जो संस्कार है पुराना जो अनुभव है वो सब चीजों को वो त्याग कर देता है। नॉन अटैचमेंट शब्द का यहाँ अर्थ ये है, नॉन अटैचमेंट मतलब घर बार छोड़ के चले जाना ऐसा नहीं है, त्याग करने की बात है। पर त्याग किस चीज का कि जो उसके अंदर जो पुरानी जो मेमोरीज जो पड़ी है जो मेमोरी पैटर्न्स पड़ी है इन चीजों को छोड़ देना वो यहाँ प्रत्यार का एक लक्षण है। टू रीच धारणा ध्यान, और प्रत्यार के ऊपर पहुंचने के बाद में धारणा और ध्यान के ऊपर पहुंचना है, धारणा ध्यान समाधि, ईच स्टेप्स मोर डिफिकल्ट देन द वन अदर। तो एक के बाद ये अलग अलग जो ये है, प्रत्यार से डिफिकल्ट धारणा है, धारणा से डिफिकल्ट ध्यान है और समाधि इससे भी डिफिकल्ट है। तो हर एक स्टेप जो है वो डिफिकल्ट होते जाते हैं। ऑल दैट कैन बी टेकन ओनली अंडर ए ग्रेट गाइड एंड सो द डिसाइपल इज शेकी डिस्पोंडेंट डाउटफुल वेदर ही विल मेक इट एंड इफ ही मेक्स इट व्हाट विल ही गेन देयर बाय वन इज इन टू माइंड एज वी फाइंड अर्जुन। अब यहाँ एक और दूसरी बात कही है जो नॉर्मली हमें पता नहीं है, ऐसी बात यहाँ ये कहते हैं कि एक बात तो है कि व्यक्ति के अंदर कुछ संस्कार ऐसे होते हैं कि काफी वो आगे बढ़ने के बाद में भी वो चीज उससे छुटती नहीं है। तो देखो अभी अर्जुन जैसी व्यक्ति ये प्रत्यार के स्टेज के नजदीक नजदीक पहुंचा है फिर भी कुछ घड़ी ऐसी आती है कि जिसके अंदर वो भी अस्थिर बन जाता है, उसके अंदर भी निराशा आती है, उसके अंदर डबल माइंड होता है कि ये करूं ना करूं, इसमें सक्सेस होगा या नहीं होगा। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि भाई हम साधना करते हैं तो सब फटाफट सब छूट जाएगा और हम ऊपर पहुंच जाएंगे। काफी प्रगति के बाद भी कभी कभी निराशा बहुत गहरी निराशा आती है। हाँ उसके कारण अलग होते हैं, उसका कारण ये मटेरियल वर्ल्ड का कारण नहीं होता है। नॉर्मली हमें जो निराशा आती है वो मटेरियल वर्ल्ड के कारण से आती है, पर कुछ स्पिरिचुअल रीजन भी ऐसे होते हैं कि जिसके कारण भी व्यक्ति के अंदर ऐसी अस्थिरता निराशा द्विधा आ जाती है। तो प्रत्यार पहुंचने से सब कुछ प्राप्त कर लिया ऐसा नहीं समझना है। यहाँ अर्जुन इतना एडवांस था फिर भी ऐसी स्थिति भी कभी कभी बनती है और कई बार हम
ऐसे एडवांस साधकों के अंदर कोई ऐसे महात्मा लोगों का जो कुछ पढ़ते हैं उसके अंदर भी ऐसा हम कभी कभी जानने को मिलता है कि उनकी स्थिति कभी कभी ऐसी डामाडोल हो जाती थी। तो ये एक ये सब सीखना है हमें, ये पढ़ते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि अध्यात्म में क्या क्या हो सकता है, और इतने आगे बढ़ने के बावजूद भी कभी कभार निराशा वगैरह आ सकती है, और ऐसे संतों के अंदर साधकों के अंदर भी ये चीज आती रहती है, ये एक सामान्य बात है, ये सब सीखने का है हमें। तो यहाँ मीटिंग खत्म होती है, अब हमारे पास और थोड़ा समय है, 15-20 मिनट, तो 6 मीटिंग शॉर्ट है, तो ट्राई करते हैं कि अभी इसको खत्म कर दें, इसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हम नहीं मिलेंगे, उसके बाद हम फिर से मिलेंगे, तो आज ट्राई करते हैं। डियर फ्रेंड्स, टुडे वी स्टडी थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। यू हैव ऑल बीन प्रैक्टिसिंग द फर्स्ट टू स्टेप्स ऑलरेडी, नाउ टू ऐड द थर्ड स्टेप ऑफ रिदम। तो ये पेपर थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के ऊपर है और इसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, तो हम इसको आसानी से जरा पढ़ लेंगे। टेक नॉर्मल ब्रेथ एंड एस यू वेर प्रैक्टिसिंग स्टेप वन एंड स्टेप टू, पुट वन हैंड ऑन चेस्ट एंड वन हैंड ऑन स्टमक विद द लिटल फिंगर टचिंग द नेवल। इन द बिगिनिंग लाई डाउन इन बेड एंड फील द चेस्ट एंड एब्डोमेन राइजिंग टूगेदर, नॉर्मल ब्रेथ इनटेक। तो यहाँ ये सब तो हम जानते हैं, बहुत प्रारंभिक बात है, तो ये उन्होंने ये ऐसा सिखाया था उस समय कि भाई लेट जाओ और फिर एक हाथ पेट के ऊपर रखो, एक हाथ नाभि छाती के ऊपर रखो, और फिर नॉर्मल श्वास लो और देखो कि छाती और पेट दोनों ऊपर उतर रहे हैं कि नहीं, और श्वास छोड़ते हैं तब नीचे उतर रहा है। ये नॉर्मल ब्रीदिंग में पहले कराते थे, बाद में फिर वो इन्होंने यहाँ रिदम इंट्रोड्यूस कराई है। ये 28 जनवरी का पेपर है, 28 जनवरी 1982, उसके अंदर वो रिदम पहली बार ये ग्रुप में सिखाते हैं। नाउ रिदम मीन्स डेफिनेट रिदम इन टेकिंग होल्डिंग एंड ब्रीदिंग आउट द ब्रेथ। सो एज यू ब्रीद इन काउंट 1 2 3, डू नॉट काउंट 4 बट काउंट 5 6 एंड ब्रीद आउट अ लिटल फोर्सफुली। तो इस तरह 3 सेकंड के अंदर 1 2 3, उस समय तो म्यूजिक नहीं था, तो फिर ये सब इस तरह वो काउंट करके कराते थे कि आप मन के अंदर बोलो 1 2 3, उसमें श्वास लो और फिर 5 6 के अंदर थोड़ा फोर्सफुली श्वास छोड़ दो। तो शुरुआत के अंदर ये भी एक सीखने की बात है कि आपको फोर्सफुली श्वास छोड़ना पड़ता है शुरुआत में, तो आपका ब्रीदिंग जल्दी बैठता है, तो एक पॉइंट नोट करने जैसा है। 1 2 3 5 6, दिस इज नॉट अ प्राणायाम बट थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग विच हैज टू रिप्लेस द रॉन्ग ब्रीदिंग एंड बाय अटेंशन ड्यूरिंग द डे एट फर्स्ट डूइंग फॉर 2 to 5 मिनट्स एंड स्लोली इंक्रीजिंग टिल ओवर 6 12 मंथ्स वन ब्रेथ्स द होल डे फॉर इट इज द करेक्ट ब्रीदिंग। तो यहाँ थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के अंदर इस तरह 1 2 3 5 6 में श्वास लेना है, और शुरू में 2 मिनट से 5 मिनट तक ही करने को कहते हैं, और धीरे धीरे समय बढ़ा के 6 बार महीने के अंदर वो कहते थे कि आप धीरे धीरे करके आपका ब्रीदिंग ऐसा हो जाएगा कि दिन भर में थोड़ा थोड़ा चलना लगेगा और वही करेक्ट ब्रीदिंग है। द वन प्रॉमिस ऑफ दिस ब्रीदिंग इज दैट द डे यू रीच 24 आवर्स ऑफ दिस ब्रीदिंग, अ रियल मास्टर विल टेक चार्ज ऑफ यू एंड विल देन टीच यू प्राणायाम, द एक्ट ऑफ प्राण कंट्रोल एंड अदर हायर एस्पेक्ट ऑफ योगा। अब यहाँ एक वो खुद प्रॉमिस देते हैं कि अगर आप 24 घंटे ये थ्री स्टेप को आपने बिठा दिया, एस्टैब्लिश हो गया आपके अंदर, तो आपका जो टीचर है, आपके अंदर का जो गुरु है, वो जाग जाएगा और वो आपका चार्ज लेगा, आपको वो फिर गाइड करना शुरू करेगा। तो आपको वो प्राणायाम वो सिखाएगा कि जिसके अंदर प्राण को किस तरह कंट्रोल करना है,
और प्राण को किस तरह रिलीज करना है वगैरह वगैरह, जो योग के हायर एस्पेक्ट्स है वो फिर आपको अंदर का गुरु आपको सिखाएगा। दिस ब्रीदिंग इज कॉल्ड रिदमिक बिकॉज इट फॉलोज सर्टेन रिदम इन नेचर। वॉच द सी एट हाई टाइड और नियर अबाउट हाई टाइड ऑन द श्योर वेयर द वेव्स ब्रेक, एंड इफ यू ऑब्जर्व एवरी 12th वेव इज लार्जर देन द रेस्ट। वेन यू विल प्रैक्टिस दिस रिदमिक ब्रीदिंग यू विल फाइंड दैट ऑटोमेटिकली योर 12th ब्रेथ विल बी मच मोर फोर्सफुल वाइल ब्रीदिंग आउट। अब यहाँ ये कहते हैं कि भाई ये जो रिदमिक ब्रीदिंग है उसको आपको, क्योंकि ये नेचर का ब्रीदिंग है, ये कोई मैन मेड ब्रीदिंग नहीं है, किसी ने इसको डिजाइन नहीं किया है, तो ये जो ब्रीदिंग है उसको अगर आपको देखना है तो क्योंकि ये जो हम रिदम जो अप्लाई कर रहे हैं वो समंदर की रिदम है, इसीलिए समंदर के अंदर उसके जो वेव्स है उसके अंदर ये इस रिदम को हम देख सकते हैं। तो इसके लिए आप समुद्र के किनारे आप जाइए और देखिए कि वहाँ किस तरह वेव्स जो होते हैं, तरंगे जो होते हैं ये पानी के, वो उसको आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो 12th जो वेव आता है वो 12वां जो तरंग आता है, जो वेव आता है वो थोड़ा फोर्सफुल और लंबा होता है। मतलब आप किनारे पर खड़े हैं तो आप देखोगे कि जो गिनोगे तो 12th वेव जो आएगा वो थोड़ा और किनारे की ओर जाएगा, किनारे के अंदर चला जाएगा। और इसी तरह शुरू में अगर आप ऑब्जर्व करोगे आपका ब्रीदिंग भी, तो आपका जो 12वां श्वास है वो इस तरह थोड़ा लंबा होगा, मतलब आपका फोर्सफुली ब्रीद आउट होगा थोड़ा, मतलब 5 सेकंड तो उसमें लगाना ही है, उसमें आगे पीछे नहीं है, पर जो ब्रीद आउट होगा वो फोर्सफुल होगा। नाउ ऑब्जर्व द सी फार आउट एंड देन सी हाउ द वेव्स राइड ऑन द सर्फेस ऑफ वॉटर एंड यू विल मेक ए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट एंड इन रिदम एंड ऑब्जर्व 1, 2, 3, 5, 6 एंड ट्राई एंड ब्रीथ इन हारमोनी विथ मोमेंट। अब जो वो दूसरा ये बताते हैं कि जैसे कि हमारा हम बेड के ऊपर सोए हैं और अगर हमारा ब्रीदिंग देखेंगे तो ऊपर नीचे जिस तरह होता है, तो इस तरह की मोमेंट आप समंदर के अंदर, मिड सी के अंदर आप मध्य जाओगे तो देखोगे कि वहाँ जो जो वेव उत्पन्न होते हैं वो फॉरवर्ड बैकवर्ड मतलब आगे पीछे होते हैं। ऐसे एक साइड पर वो एक जाएंगे और फिर वापिस आएंगे, आगे पीछे होते हैं। तो इसी तरह हमारा ब्रीदिंग भी जो है 1, 2, 3 में एक साइड जाता है और 5, 6 में दूसरी साइड आता है इस तरह। तो ये जो एक समंदर के अंदर की जो अंदर के समंदर के अंदर जो लेयर होती है, इसी तरह हमारा ब्रीदिंग की पैटर्न भी वही है, वो सिमिलर चीज यहाँ ये बताते हैं। एज यू विल प्रैक्टिस दिस ब्रीदिंग इन बेड यू विल फील सो रिलैक्स यू विल फॉल अस्लीप। और ये ब्रीदिंग इतना रिलैक्सिंग ब्रीदिंग है कि अगर आप सोते सोते इसको करोगे तो थोड़ी देर के अंदर आपको नींद आ जाएगी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन वाई इट इज नोन एज रिदमिक ब्रीदिंग बिकॉज द प्राइमरी बॉडी और एस्ट्रल बॉडी इंटेक्स प्राण। अब हमारा जो है एस्ट्रल बॉडी जो है वो हमारा प्राइमरी बॉडी है और वो प्राण जो प्राण के प्राण वो अंदर लेता है, फिजिकल बॉडी जो है वो श्वास अंदर लेता है और एस्ट्रल बॉडी जो है वो उसके अंदर प्राण लेता है। इनटेक प्राण एट द रेट ऑफ 12 पर मिनट। तो उसका रेट क्या है, 1 मिनट के अंदर 12 बार 12 टाइम्स वो प्राण अंदर एस्ट्रल बॉडी के अंदर आता है। एंड आवर नॉर्मल रॉन्ग ब्रीदिंग इज एनीवेयर फ्रॉम 70 to 20 ब्रेथ पर मिनट। और अभी जो हमारा जब रिदमिक ब्रीदिंग नहीं होता है तो वो उसको रॉन्ग ब्रीदिंग कहते हैं। ऐसा ब्रीदिंग के अंदर 17 से 20 श्वास एज पर मूड हमारे चलते रहते हैं, पर जब रिदमिक ब्रीदिंग करेंगे तो 5 सेकंड का एक श्वास है, इसीलिए वो 12 श्वास ही होंगे। नाउ यू विल ऑब्जर्व दैट दिस रिदमिक ब्रीदिंग टेक्स 5 सेकंड्स एंड सो
is 12 breaths per minute. The first result of this is that a rhythm is established between the breathing of both the bodies, the physical and astral, both breathing at the same rhythm, and you will remove age-old inharmony and conflict between the two bodies, and which conflict is reflected in our mind and habits, and so in the various diseases and ailments which we suffer from. अब जो है दूसरी बात यहाँ है, कहते हैं कि भाई एक मिनट में 12 श्वास का जो रिदम हम एडोप्ट करते हैं, तो ये रिदम धीरे धीरे करके दोनों बॉडी के अंदर ये एस्टेब्लिश होती जाएगी. फिजिकल में हम श्वास 12 बार लेते हैं, और इसी तरह प्राण भी उसके अंदर 12 बार वो जाएगा, तो 12 बार हकीकत में जाता ही है, पर वो रिदमिक ऑर्डर में अभी जाएगा. नॉर्मल कोर्स में एस्ट्रल के अंदर हमारा 12 बार जो श्वास प्राण जाता है, पर वो रिदमिक ऑर्डर में नहीं है. यहाँ जो हमारा हेतु ये करने का क्या है कि फिजिकल में 12 बार जब हम श्वास लेते हैं, तो एस्ट्रल के अंदर ही भी यही रिदम जाएगी और दोनों का सिंक्रोनाइजेशन हो पाएगा. तो करना यही है कि फिजिकल और एस्ट्रल का या श्वास और प्राण का सिंक्रोनाइजेशन करना है, और इसीलिए दोनों के अंदर ये सेम रिदम चलनी जरूरी है. और इससे क्या होगा कि ओल्ड एज जो पुरानी पुरानी जो हमारे अंदर ये है इनहारमनी है, मतलब विसंवादिता है हमारे अंदर, जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके वो निकल जाएगी. और ये कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कारण जो इनहारमनी है, उसके कारण ही हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के रोग आते हैं, क्योंकि इस तरह हमारा एक माइंड के अंदर एक हैबिट इस तरह की बन जाती है. और ये सारी चीज जो है, हमने आगे भी देखा था कि भाई हमारे अंदर जो डिसीज आता है वो पहले एस्ट्रल में आता है, बाद में फिजिकल में आता है. तो फिजिकल में तो उसका एक आउटपुट जैसा है, मतलब वो हम खाली एक उसका रिजल्ट देखते हैं, उसका जो कोज है वो एस्ट्रल है. और एस्ट्रल में क्यों है, क्योंकि एस्ट्रल के अंदर ये एस्ट्रल हार्मनी में नहीं है और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है, इसीलिए. दिस रिदम ब्रिंग्स अबाउट द रिदम नॉट ओनली बिटवीन द टू बॉडीज, इट टेक्स अवे द बेसिक इनहार्मनी एंड कॉन्फ्लिक्ट, एंड दिस हैज सिंगुलर इफेक्ट ऑफ ऑन माइंड हैबिट, एंड दिस इन टर्न to our physical, emotional and mind health. तो ये खाली दो बॉडी के रिदम की बात नहीं है, कहते हैं कि इससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो ये विसमाधिता कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जो है, संघर्ष अंदर पड़ा है, वो तो इससे निकल ही जाएगा, और उसकी संयुक्त असर ऐसी आएगी कि हमारा फिजिकल इमोशनल और हम मेंटल, ये तीनों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा. तो फिर तीनों हेल्दी हो जाएंगे, फिजिकल भी हेल्दी हो जाएगा, इमोशनल भी हेल्दी, और हमारा मेंटल स्टेट जो है वो भी हेल्दी रहेगा. व्हेन वी ब्रीद इन रिदम वी नोट दैट एवरी मिनट द ब्लड ऑफ द बॉडी पासिस थ्रू द लंग्स विच वर सो फार नेवर इन हार्मनी विद द एस्ट्रल ब्रीदिंग एंड सो सफर्ड मोस्ट फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट. अब जो हमारा यहाँ कहते हैं कि हम जो ब्रीदिंग जो करते हैं, वो ब्रीदिंग हमारा राइट ब्रीदिंग नहीं होता है, और इसलिए हमारे अंदर जो उसकी हार्मनी नहीं होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है. तो वो यहाँ एक आगे एक पूरी फिजियोलॉजी बताते हैं कि बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर किस तरह ये हवा जाती है और वहाँ ब्लड होता है, क्या होता है उसकी ये बताते हैं, वो आगे हम देखते हैं. नाउ द लंग्स बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम दिस रिदम, एंड नाउ इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग द इनहार्मनी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑन एवरी सेल ऑफ द ब्लड, नाउ दे पास ऑन देयर हार्मनी एंड रिदम. टाइम एंड अगेन ब्लड रिटर्न्स टू द लंग, एंड टाइम एंड अगेन नाउ हार्मनी एंड रिदम इज पास ऑन टू एवरी सेल विच सप्लाई एनर्जी एंड रिदम to all organs and tissue. अब यहाँ समझने की बात, ये तो यहाँ लिखा है, उसको शॉर्ट में समझना क्या है
थोड़ी फिजियोलॉजी समझनी पड़ेगी कि भाई हवा जो हमारे अंदर लंग के अंदर आती है तो वो ऑक्सीजन वगैरह लेके हवा लंग के अंदर जाती है, और लंग्स का जो लास्ट पार्ट है उसको वायु कोष कहते हैं, एयर सैक्स कहते हैं। और वो वायु कोष जो है उसके आजू बाजू के अंदर ब्लड की छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, सूक्ष्म नलिकाएं होती है कि जिसके अंदर ब्लड घूमता रहता है। अब होता क्या है कि जो श्वास के द्वारा हमने ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन यहाँ वायु कोष तक पहुंचा, उसका यहाँ ट्रांसफर होता है किस चीज का, कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होता है और ये लंग्स का एन एन पार्ट के अंदर ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीडेशन कहते हैं उसको। मतलब ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर होके ब्लड में चला जाएगा और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है वो वायु कोष के अंदर चला जाएगा, और फिर हम श्वास जब छोड़ेंगे तब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला वाली हवा जो है वो बाहर निकल जाएगी, और जो खून जो अभी जो शुद्ध हुआ है, जो खून जो ऑक्सीजनित हुआ है जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, ऐसा खून अभी फेफड़े में से निकल के, लंग्स में से निकल के हार्ट में जाएगा और हार्ट में से पूरे बॉडी के अंदर वो सर्कुलेट होगा। अब ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। अब यहाँ ये क्या कहते हैं कि आप जब रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं तो न कि आप खाली श्वास ले रहे हैं, न कि ऑक्सीजन ले रहे हैं, पर आप रिदम को भी अंदर ले रहे हैं। तो क्या होगा कि जब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ट्रांसफर होगा उसके साथ साथ में रिदम भी ट्रांसफर हो जाएगी ऑक्सीजन ब्लड के अंदर। तो जैसे आगे हमने देखा ना कि ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ लंग्स में आता है। तो जब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाता है उसके साथ में जो रिदम आपने श्वास में लिए वो भी ब्लड के अंदर चली जाएगी, और वो ब्लड फिर आगे जाके पूरे बॉडी में घूमने वाला है। तो बॉडी के अंदर जहां जहां वो घूमेगा, जहां वहां लाखों करोड़ों सेल्स है, उस हर एक सेल्स को ये रिदम देता जाएगा। तो रिदमिक ब्रीदिंग लंबे समय तक करने का फायदा क्या है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि हर सेल को धीरे धीरे करके ये रिदम मिल जाएगी। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे बॉडी के अंदर करोड़ों सेल्स है वो खुद ब खुद रिदमिक होते जाएंगे, और अगर वो रिदमिक हो गए तो फिर कॉन्फ्लिक्ट का सवाल ही कहाँ पैदा होगा, फिर तो कॉन्फ्लिक्ट जैसी चीज ही हमारे अंदर नहीं होगी। तो ये पूरी यहाँ उन्होंने योग और फिजियोलॉजी दोनों दोनों को कंबाइन किया है, और इसे हमें ये समझना है कि इस तरह हम पूरे बॉडी के पूरे सेल्स को ये रिदम वाले बना सकते हैं, रिदमिक बना सकते हैं, और पूरा बॉडी रिदमिक बन जाएगा तो फिर आगे की यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। दिस इज टू बी एक्सपीरियंस, द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट, डू इट एंड एंजॉय द इननंबरेबल बेनिफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम दिस रिदमिक ब्रीदिंग, बट यू विल हैव टू डिलीजेंटली प्रैक्टिस। तो यहाँ कहते हैं कि भाई खास प्रैक्टिस के ऊपर भार देते हैं, और आपको खुद ही अनुभव करना है। आप खुद अनुभव करोगे तो ही समझोगे कि ये रिदमिक ब्रीदिंग के कितने कितने सारे अनुभव है। चेक योर सेल्फ इन मैनी टाइम्स अ डे, इफ यू हैव अ वॉच विथ सेकेंड हैंड वॉच, हाउ इन 60 सेकेंड यू डू ब्रेथ 12 टाइम्स और नॉट, वेरी सुन यू विल सक्सीड, बट एप्लीकेशन हैज टू बी सिंसियर। तो अभी यहाँ कहते हैं कि क्योंकि उस समय तो म्यूजिक नहीं था इसलिए ये सब लिखा है, कि अगर आपके पास रिस्ट वॉच जैसा है और जिसके अंदर सेकंड हैंड चल रहा है तो आप दिन भर में देखो कि कितनी बार आपका श्वास इस तरह चल रहा है जिसमें 1 मिनट में 12 बार श्वास चल रहा हो। इन द बिगिनिंग द इमोशंस विल डिस्टर्ब योर ब्रीदिंग एंड योर एवरेज पर डे विल ड्रॉप, बट कॉन्स्टेंट एंड सिंसियर प्रैक्टिस विल सक्सीड सून इन ओवर पावरिंग इमोशंस एंड मूड्स। तो ऐसा होता है कि कभी कभी शुरुआत में जब ये ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो इस इमोशंस डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और रिदम बार बार टूट जाती है, पर कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी उसके बाद में फिर ये कांस्टेंट चालू रहेगा, और जो ओवर पावर जो इमोशन जो है ओवर पावरिंग वो भी सब कम होते जाएंगे। जो
टुडे वी हैव चेक्ड वेरियस एक्सरसाइजेस वी हैव बीन डूइंग एंड स्ट्रांगली इम्प्रेस्ड द बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग दिस रिदमिक ब्रीदिंग। आई होप यू विल ऑल डिलीजेंटली प्रैक्टिस इट। तो कहते हैं कि ये एक्सरसाइज जब जो हम करते हैं वो यहाँ उन्होंने चेक की होगी जो लोग करते हैं उनकी, और वो कहते हैं कि इसके जो इतने ढेर सारे बेनिफिट है, इससे हम प्रभावित है कि वो ये रिदमिक ब्रीदिंग से इतने सारे बेनिफिट मिल सकते हैं और इसका अनुभव भी खुद कर लेना है। ए फ्यू लाइन्स वेर एक्सप्लेन फ्रॉम द बुक लाइट ऑन पाथ बाय मैरी कॉलिन्स। दिस वी शैल टेक अप इन द नेक्स्ट मीटिंग मोर इन अवर नेक्स्ट। दोस्त प्रेजेंट वेर आस्क्ड टू राइट डाउन आफ्टर ऑब्जर्विंग देयर डोमिनेंट एंड रिपीटिटिव मूड्स ऑन ए पीस ऑफ पेपर। वी शैल स्टडी हाउ मूड्स रिवील द वेरियस एलिमेंट्स देयर बॉडी सफर फ्रॉम एंड हाउ टू रिमेडी। तो यहाँ एक फिर होमवर्क भी दे देते हैं जो हम भी कर सकते हैं, और वो कहते हैं कि आपके अंदर कौन से ऐसे इमोशंस और ऐसे मूड जो है जो हावी हो जाते हैं, बार बार उठते रहते हैं अंदर, तो ऐसे डोमिनेंट मूड या इमोशंस है उसको आप जरा लिखो कि दिन भर में कौन से किस किस प्रकार के इमोशंस आपके अंदर उभर उभर के आते हैं। तो इसको ये लिखने से और फिर उसका स्टडी करना है, तो इससे पता चलेगा कि ये किस तरह मूड प्रकट होते रहते हैं, और ये मूड के कारण ही हमारा बॉडी के अंदर अलग अलग रोग आते हैं, और इसकी क्या रिमेडी है वो भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ इतना होमवर्क उन्होंने दिया है, अगर हो सके तो आप भी करना कि आपके मूड कब कब चेंज होते हैं और खास किस प्रकार की चीज ऊपर के उभर के आती है। यहाँ समाप्त करते हैं, एक दो कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं, बाद में 1 वीक के बाद मिलेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो समाप्त करते हैं, और जो नेक्स्ट मीटिंग 29 को है वो तो हम योगा शिविर में है इसलिए नहीं हो पाएगी। उसके बाद में जून के फर्स्ट वीक की जो मीटिंग है उस समय हम फिर से मिलेंगे उस समय। तब तक के रुकते हैं, आप अभ्यास करते रहना और थ्री स्टेप का ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।